स्वतंत्रता सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऐसे राष्ट्र का निर्माण श्री गुरु बसवलिंगाय नमः संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी का 71वां जन्म दिवस का इस अवसर पर इस महान सभा का माननीय सिमरनजीत सिंह मान साहब और हमारे मार्गदर्शक सज्जद नोमानी साहब, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्रम साहब और इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहां आए हुए सभी मेरे सिख धर्म के भाई और बहनों, आप सबको मेरा शरण शरणार्थी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, सत श्री अकाल। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है, मान साहब ने हमें यहां बुलाकर आप सभी लोगों से दो बात करने का उन्होंने मौका दिया। लिंगायत धर्म के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस विषय के बारे में मैंने आपको दो शब्द कहने के लिए आया हूं। आप सबको मुझे देखकर थोड़ा अलग महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा जो ड्रेस है और ये देखकर आप समझे होंगे शायद ये भी ब्राह्मण है। साथियों, ये जो भगवा रंग है ये हमारा गुरुओं का रंग है। ब्राह्मणों ने इस रंग को बदनाम किया, भगवा को आतंक बना दिया और ये त्याग और बलिदान का, क्रांति का प्रतीक है ये रंग। लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम इस रंग का किया है उन लोगों ने। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, मैं लिंगायत धर्म का प्रचारक हूं। लिंगायत नाम का एक धर्म है इस देश में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोग इस देश में हम रहते हैं। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में हमारा संख्या है और कर्नाटक में। 1200 सदी में महात्मा बसवण्णा जी ने इस धर्म का स्थापन किया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, स्त्री गुलामगिरी के खिलाफ, वर्ग वर्ण जाति व्यवस्था को निर्मूल करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए उन्होंने समतावादी लिंगायत धर्म को उन्होंने स्थापना की। उन्होंने वचनों में लिखा है, लिंगायत ब्राह्मणी धर्म का गुलाम नहीं है, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और उसका धर्म जो ग्रंथ है, जो वचन साहित्य है, जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिबा सिख धर्म का ग्रंथ है, उसी तरह लिंगायतों का वचन साहित्य, वचन जो है उन्होंने लिखा है, वो धर्म ग्रंथ है। 1200 सदी में उन्होंने पहला जो संसद, दुनिया का पहला जो पार्लियामेंट कहते हैं, उन्होंने वहां स्थापना की और वहां से उन्होंने इस गैर बराबरी को खत्म करने का काम की। उनका बहुत सारे वचन है, मैं एक वचन कहना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने ब्राह्मणी विचारधाराओं को खत्म करने का बात कही, महात्मा बसवण्णा जी कहते हैं, वेदों पर चाबुक चलाऊंगा, वेदों पर तलवार चलाऊंगा, शास्त्रों को बेड़ी पहनाऊंगा।
आप जो कृपाण गुरुओं ने हमें दिया है हमारा रक्षण करने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए, उन्होंने वचन में लिखा, उस तलवार का उन्होंने नाम लिया, उनके हाथ में भी तलवार थी। वो कहते हैं वेदों पर तलवार चलाऊंगा, शास्त्रों को बेड़ी पहनाऊंगा, तर्क की पीठ पर चाबुक चलाऊंगा, आगम की नाक काटूंगा, क्योंकि मैं मोची चन्नैया का लाडना हूँ, हे कूडल संगम देवा। वो कहते हैं वेद शास्त्र आगम पुराण जितने भी ब्राह्मणों का जो ग्रंथ है उन पर मैं तलवार चलाऊंगा, उसे मैं नहीं मानूंगा। ये बात 1200 सदी में कहा है। तब से हमें पता चला हमारा अलग धर्म है, समतावाद को मानने वाला हमारा धर्म है। और उस वक्त ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके उस पार्लियामेंट को, अनुभव मंटप को आग लगाकर, वचन साहित्य को जलाकर, जिन लोगों ने वो क्रांति की थी बसवन्ना के साथ 770 शरण, सभी जाति मत के वो लोग थे, उनको सामूहिक उनका हत्या कर दी गई। 1,96,000 लोगों का हत्या कर दी गई है ब्राह्मणों ने 1200 सदी में। ये बहुत बड़ा क्रांति है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। देश का अलग अलग भाग में आप लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें पता चलने ही नहीं दिया, आपस में हम लोगों को मिलने नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को साथ एकजुट होकर लड़ने का जरूरी है, हम सबको एक साथ लड़ने का है। क्योंकि जो हिंदुत्व का जो व्यवस्था है, हम लोगों को अलग अलग करके वो मार रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमें अलग अलग करके पीट रहा है, मार रहा है। लिंगायतों का अब तक वो सिलसिला उन्होंने जारी रखा है। हमारे प्रचारक को जंगम बोलते हैं, 700 जंगमों को उन्होंने हत्या की। और 2 साल पहले आप लोगों को पता है लिंगायत इतिहासकार बुजुर्ग M.M. कलबुर्गी नाम का प्रोफेसर थे, उनका हत्या गोली मारकर ब्राह्मणों ने की है। पिछले साल बहुत दिन नहीं हुआ है, कुछ महीने पहले पत्रकार गौरी लंकेश का भी हत्या हुई। वो गौरी लंकेश लिंगायत धर्म के थे, वो लिखते थे लिंगायत ब्राह्मण धर्म का खिलाफ है, लिंगायत एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है। वो M.M. कलबुर्गी भी लिंगायत थे, गौरी लंकेश भी लिंगायत थे, ब्राह्मणों के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, इसलिए उन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथियों, क्योंकि हम लोग अलग अलग होकर काम किया तो हमें इस तरह मार डालेंगे, अब वो समय नहीं है। हमारा रैलियां बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे, लिंगायत धर्म स्वतंत्र है, स्वतंत्र मान्यता हमें चाहिए। गुलाम भारत में लिंगायत धर्म स्वतंत्र यानी ब्रिटिशों ने स्वतंत्र मान्यता दी थी, भारत का जो कथाकथित आजादी मिली गांधी और नेहरू ने लिंगायत धर्म का मान्यता रद्द करके लिंगायतों को हिंदुओं का गुलाम बना दिया। यानी हम आजाद भारत में गुलाम है और गुलाम भारत में आजाद थे। आप जो लड़ रहे हैं, हम जो लड़ रहे हैं, हम दोनों का मकसद एक ही है, हमें आजादी चाहते हैं। लिंगायत भी आजादी चाहते हैं और सिख भी ब्राह्मणों से आजादी चाहते हैं। सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, इस देश के मुसलमानों के ऊपर भी वो अत्याचार कर रहे हैं, मदरसाओं से देशद्रोही काम हो रहे बोलते हैं, वहां से आतंकवाद फैला रहे बोलते हैं। मैं खुद बहुत सारे मदरसों में जाकर देखा हूं, वहां भाईचारा का और देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं साथियों। लेकिन ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने हम सबको आपस में भिड़ाने का, लड़ाने का जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को हम सबको मिलकर नाकामयाब करने का है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ लाख लाख माननीय वामन मेश्राम साहब को, उन्होंने हम सबको मिलाया। मान साहब का हमारा मुलाकात उन्होंने करवाया, और नोमानी साहब का, और हम सबको मिलवाने का जो काम कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब ने किया है। और लिंगायत धर्म का जो रैली बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, 28 जनवरी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में बहुत बड़ा रैली हुआ। उस रैली में लाखों लोगों के सामने
सरदार मान साहब ने संबोधित की लिंगायत धर्म मान्यता के लिए सिख धर्म का और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जो है उनका जो संगठन है देश भर में उस संगठन से हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। मान साहब और हमारे सिख भाइयों ने आकर वहां हमें समर्थन दिया, इस उनका समर्थन को देखकर वहां का जो ब्राह्मणी सरकार है उनमें डर पैदा हो गया है। वो बाद में इतना पूछताछ कर रहे हैं ये लिंगायत धर्म यहाँ दक्षिण भारत में है, उधर पंजाब में ये सिंह जी साहब रहते हैं, इन लोग लिंगायत लोगों को समर्थन देने के लिए कैसे आए हैं, और ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं मुस्लिम एक तरफ आ रहे हैं, लिंगायत सिख बुद्धिस्ट जैन एससी एसटी ओबीसी सब लोग एकजुट हो रहा है, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हम एकजुट हुए तो वो लोग डरते हैं क्योंकि उनको खतरा महसूस होता है, उनका जो विचार है हिंदुत्ववाद का गैर बराबर का वो खत्म होने का उनको डर है। इस डर को कायम रखने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। साथियों मैं आप सब से विनती करना चाहता हूं, आप सब हमारा सभी मूल निवासियों का एक ही मकसद है, बहुत सारे हमारा अलग अलग मांग रहते हैं लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत हम सबको एकजुट होकर लड़ने का है, इसके सिवाय दूसरा हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता ही बचा ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबको और मान साहब को लाख लाख धन्यवाद कहना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारा जो आवाज है हमारा दर्द है आप महसूस किया और साथ सहयोग करने का वादा की, हम भी आप लोगों को ये वादा करते हैं आपका ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ब्राह्मण व्यवस्था से उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग भी लिंगायत लोग भी आपके साथ साथ सहयोग करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुआ आज के दिन यहाँ मुझे बात करने का मौका मिला, मुझे इस सेवा में शामिल किया, सभी सिख भाई और बहनों को मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शरणो शरणार्थी जय मूल निवासी। समता स्वतंत्रता सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण।